बैंक लोन कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी लीगली होती है और सही होती है। मैं आपको कुछ ऐसे प्लॉट्स दिखाने वाली हूँ, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये, इनका दाखिल खारिज हो रखा है, नगर पंचायत में आते हैं कि इन केस आप ले लेते हैं कब्जा, अपनी बाउंड्री बना लेते हैं, लेकिन आपको एक होता है ना कि नहीं भाई मुझे इस एरिया में अब नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका बाउंड्री वॉल के साथ पूरे पैसे रिटर्न होते हैं, ये इनकी कंपनी का रूल है। और आप हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे प्लॉट्स दिखाने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, कुछ ऐसे प्लॉट्स दिखाइए जहां पे हम तुरंत प्लॉट खरीदें और अपना घर बना सकें। तो आज मोहनलालगंज में मैं आपको कुछ ऐसे प्लॉट्स दिखाने वाली हूं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये, इनका दाखिल खारिज हो रखा है, नगर पंचायत में आते हैं और आप यहाँ पे तुरंत प्लॉट खरीद के घर बना सकते हैं। इनफैक्ट आपको 75% तक लोन भी अवेलेबल है। तो चलिए और जानते हैं इन प्लॉट्स के बारे में और बात करते हैं विनय वर्मा जी से। मैं विनय कुमार वर्मा आप सभी व्यूवर्स का वेलकम करता हूं आशीर्वाद इनक्लेव की तरफ से। तो आज हम आशीर्वाद इनक्लेव का फेज नंबर 4, 5 और 8 की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हमारी क्वेरी रहती थी अक्सर कि हमें सर कुछ इस तरीके के प्लॉट्स बताइए जहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करके रहना स्टार्ट कर सके और हमारे बजट में भी हो। तो आशीर्वाद इनक्लेव आपके लिए एक फेज नंबर 4, 5 और 8 एक ऐसा टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं हम लोग जहाँ पर एक लो कॉस्ट, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके बल्कि आप रह सकते हो, आप ये समझो आप, क्योंकि अक्सर ये होती है कि मेरा बजट कम है और हम लोग रेंट वगैरह पे रह रहे हैं बट हम कंस्ट्रक्शन करा के रहना, किराए वगैरह की प्रॉब्लम्स हट जाए और रहना स्टार्ट कर दें, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। सस्ती चीज़ और फुल डेवलप करके देंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने फेज 7 को डेवलप करके दिया था वैसे ही सेम आर्किटेक्ट पे इसको भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि आशीर्वाद इनक्लेव का जितना भी फेज़ है उसको हम लोग एक ही तरीके से डिज़ाइन करते हैं, सबका आर्किटेक्ट जो है एक ही तरह का है। 2 पार्क हम लोग देते हैं हर एक फेज़ में, इसमें अभी हम लोग फिलहाल के लिए फेज़ नंबर 5 पर खड़े हैं। तो आप देख सकते हो मैम किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सुंदरीकरण कर रखा है, और 40 फीट की मेन रोड है हमारा और लेन में जो है 25 फीट की रोड है, ये 40 फीट की रोड है, ये 25 फीट की रोड है और ये सब डामर रोड हम लोग देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पत्थर दे रखा है ताकि ये रोड बैठ जाए और जब डामर कंस्ट्रक्शन करें हम लोग, डामर डालें इस पर तो मजबूत डामर मिले और करीब चले वो काफ़ी समय तक। पहली विजिट में ही लोगों को ये पसंद आ जाता है जो भी अपना इस पर्पज़ से ढूंढ रहे हैं कि चीप एंड बेस्ट और एज वेल एज हमको रहने के लिए भी कंस्ट्रक्शन करा के ले रखें, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि तुरंत वो इसको बुक करा लेते हैं। और हमारा आपको पता ही है मैम, हमारा जो है बहुत ही फ्रेंडली हमारा रूल्स भी है कि आपको बुकिंग कराना है, ऑनलाइन बुकिंग भी हमारे यहाँ होती है और बुकिंग अमाउंट के बाद आपको तुरंत कब्जा लेना है और कब्जा लेने के बाद फिर आपको रजिस्ट्री करानी है। एक बहुत यूनिक सा हमारा रूल है, हमारे कंपनी का एक रूल है कि आपका बुकिंग अमाउंट और प्लस बाउंड्री कॉस्ट जिसमें आप पजेशन लेते हैं वो फुली रिफंडेबल है। पहले भी वीडियो बनाया था मैंने विनय जी के साथ, तो उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि इन केस आप ले लेते हैं कब्जा, अपनी बाउंड्री बना लेते हैं, लेकिन आपको एक होता है ना कि नहीं भाई मुझे इस एरिया में अब नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका बाउंड्री वॉल के साथ पूरे पैसे रिटर्न होते हैं, ये इनकी कंपनी का रूल है। और आप देख सकते हैं भाई, एक रेंट देते हो आप तो उससे सस्ते में आपको कहीं प्लॉट मिल जाए जहाँ पे आपकी पूरी सिक्योरिटी हो, सारी चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। रोड वगैरह खंभे ऑलरेडी लग चुके हैं, सीवर लाइन पड़ गई है, तो बहुत ही मतलब अच्छा एरिया है। अगर आप रेंट से बचना चाहते हैं तो बेटर है एक ले लीजिए प्लॉट और अपना घर बनाइए। ये बताइए कितना लेना ज़रूरी है और प्राइस क्या है? मैम इसका रेट हम लोगों ने इतना अट्रैक्टिव रखा है 950 रुपये स्क्वायर फीट, और जिसमें हम लोग पूरा टाउनशिप डेवलप करके दे रहे हैं, इवन गेट भी हम लोग लगा के दे रहे हैं। हमारा गेट होगा सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटी की तरफ से, जो भी जिसको भी रखना होगा, बट जो हैंडओवर करेंगे वो पूरा डेवलप करके करेंगे। आप देख सकती हैं मैम यहाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लगे हुए हैं ऑलरेडी, और आप रात में आके देखिए आपको लगेगा ही नहीं कि आप बहुत इस तरीके के प्लेस पर हैं जहाँ पर हम तो मैं रात में पूरी ये लाइट जलती होगी। मैम इनफैक्ट हम लोग रात को 10 बजे तक विजिट कराते हैं कोई भी प्रॉपर्टी वाला, 10 बजे तक विजिट करने भी आ सकते हैं, रात में आप विजिट करने आ सकते हैं। फेज 7 की जब हम लोग बात कर रहे थे मैम, तो इतनी ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी लेआउट, कुछ लोग जो है लेआउट या फिर प्रॉपर्टी पेपर लीगल डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट अगर किसी को है देखना चाहता है बुकिंग से पहले, तो हम उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करा देते हैं पूरा रजिस्ट्री पेपर भी, तो उसके बाद वो देखने के बाद हमारा जो रूल है रिफंडेबल का उसको फॉलो करते हुए
यहाँ पर प्लॉट बुक करा लेते हैं, क्योंकि मनचाहा प्लॉट बुक करने के लिए हम उनको लेआउट भेज देते हैं पूरा कि कौन सा प्लॉट आपको चाहिए, जो अवेलेबिलिटी उसके लिए ले लीजिए। इसके बाद वो 2-4, 10 दिन, 5 दिन बाद अपना शेड्यूल करके यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं। अगर वो प्लॉट लोकेशन सारे चीज़ उनको ओके रहता है तो आगे बात बढ़ती है रजिस्ट्री के लिए और आगे प्रोसीजर के लिए, अदरवाइज़ उनका अमाउंट रिफंडेबल हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि मैं 10 दिन बाद आऊँगा, 15 दिन बाद आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 15 दिन बाद आइए, इट्स ओके। लेकिन फिर उनको क्या करना पड़ता है कि मुझे ये प्लॉट चाहिए था, तो उस केस में वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है टाउनशिप मुझे पसंद आ रही है, डेवलपमेंट आपका ठीक लग रहा है, प्रॉमिसेस आपके ठीक है, कम्युनिटीज़ भी ठीक है, बट हमको यही प्लॉट चाहिए, तो ये प्लॉट तो ऑलरेडी आपका बुक हो चुका है, तो हम फिर कैसे दे दें, ये कैसे दे दें। और प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे 99% बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो बुकिंग अमाउंट रिफंड नहीं करते मैम, प्रॉब्लम ये है, तो इसी वजह से लोग बुक नहीं करते हैं कि बिना देखे ज़मीन को मैं कैसे बुक कर सकता हूँ। बट हमारा यही तो एक यूनिक है जो कि हमें सबसे डिफरेंट बनाता है लखनऊ में, और इवन वी आर सोल्डिंग लॉट्स ऑफ प्लॉट एज़ कम्पेयर टू द अदर बिल्डर्स। तो काफ़ी रूल्स वगैरह ईजी हैं, आप ऑनलाइन देख के भी अगर बुकिंग करते हैं और आपको देखने के बुकिंग नहीं करेंगे तो आपने जैसा सुना कि विनय जी ने बताया कि हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मीन्स आपने कोई कॉर्नर का प्लॉट्स ढूंढा हुआ है, फिर वो आप 7 दिन 10 दिन के बाद विजिट करें तो वो सेल आउट हो चुका हो, और अगर आप तुरंत बुकिंग कर देते हैं तो वो सेल आउट नहीं होगा। और रिटर्न पॉलिसी है, तो अगर आपको नहीं बाद में समझ में आता है तो भाई आपको रिटर्न भी पैसे हो जाएंगे आपके। सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट है मैम, किसी तरह का कोई ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, और हमारे जो ओनर है वो एक्स आर्मी पर्सन है, इसलिए दे आर कमिटेड। हाँ। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम अभी आज तक अच्छा एक्स आर्मी पर्सन है तभी आर्मी के लोगों को छूट देते हैं। और दूसरी चीज़, जिस भी प्रॉपर्टी पे अगर लोन बैंक लोन कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी लीगली होती है और सही होती है, क्योंकि बैंक आपसे भी ज़्यादा खोजबीन करके लोन देता है। एक्चुअली बैंक जो होती है अक्सर पूछती है कि नगर पंचायत में है कि नहीं है, और अक्सर एक नया क्वेश्चन 143 है कि नहीं, तो 143 में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग जो रजिस्ट्री करते हैं मैम वो आर्टिकल 23 में करते हैं, तो आर्टिकल 23 में किसी योग्य भूमि को आवासीय रजिस्ट्री करते हैं हम लोग, तो रजिस्ट्री करते समय ही वो वहाँ पर आबादी दर्ज हो जाती है, आवासीय बन जाता है वो, तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि दाखिल खारिज में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि 143 की ज़मीनों पर जल्दी दाखिल खारिज नहीं होता है, तो बहुत सारे कस्टमर की च्वाइस रहती है नहीं मुझे दाखिल खारिज ज़मीन ही चाहिए, तो आर्टिकल 23 के थ्रू रजिस्ट्री करने पर ये उनकी समस्या प्रॉब्लम दूर हो जाती है, दाखिल खारिज भी हो जाता है और ज़मीन आवासीय भी हो जाती है, लगभग हो जाती है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया आपको स्ट्रीट लाइट, रोड, मंदिर, पार्क और पूरा गेटेड कॉलोनी वगैरह मिलने वाली है, तो भाई इस नंबर पे जल्दी से आप कॉल कीजिए। अगर कुछ और इंक्वायरी आपको चाहिए तो आप बात करके देखिए ज़रूर, और जल्दी से अपना प्लॉट बुक कीजिए ताकि आपको अपना मनचाहा कॉर्नर का चाहते हैं तो कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए, और रेट भी अभी कम है तो जल्दी कीजिए और कॉल ज़रूर कीजिए। हाँ, तो ये हम फेज 4 पे हैं। हाँ, ये आशीर्वाद इनक्लेव का फेज नंबर 4 है, ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, ये मोहनलाल जो गंज तहसील है वहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और इसकी खास बात ये है मैम कि आने वाले फ्यूचर मतलब 1 से 2 साल में ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है, अटल पक्षी विहार। हाँ, जो कि यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है, और उसी एरिया में एक झील भी है वहाँ पर, उसी झील के किनारे इसको डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ के रेट क्या है? यहाँ के रेट भी 950 रुपये स्क्वायर फीट है, सारी एमिनिटी सेम है, इसमें भी हम लोग पूरा पार्क आपको देंगे, दो दो पार्क रहेगा, एक मंदिर रहेगा, मंदिर तो यहाँ से सामने से दिख रहा है, हाँ अंदर की तरफ दो पार्क भी हमारे पास हैं, इसमें भी हम लोग मैम पूरा स्ट्रीट लाइट रोड डेवलप करके देगी, ये 40 फीट की रोड जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये 40 फीट की रोड है, अंदर 25 गेटेड कॉलोनी है, 25 फीट का अंदर की तरफ रोड है, और आप लाइट देख सकते हैं मैम, रात को हम लोग करीब शाम हो गई है और लाइटिंग सिस्टम अभी भी है। इसके अलावा हमारे ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने बताया, सारी एमिनिटीज़ जो फेज नंबर 5 में हमने बताई, फेज नंबर 4 में भी करके हम लोग सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो रहने के पर्पज़ से मैम इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो भी हम आज फेज़ की बात कर रहे हैं वो सारे रहने के पर्पज़ से हैं, मतलब आप लो कॉस्ट में रेजिडेंशियल मतलब आप बनाइए रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हमारा प्रोजेक्ट मैम और आ रहा है, लगभग आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, उसको 10-15 दिन हो भी गए, फेज नंबर 8, यहाँ का रेट है 948 रुपये, ये भी मोहनलालगंज में ही है, और मोहनलालगंज नगर पंचायत से अप्रूव्ड है, इसका उसका भी मैप, फेज नंबर 8 का भी मैप अप्रूव्ड है पूरा,
लेआउट वैसे ही है पूरा सेम जैसे जो फैसिलिटी हाँ जो टाउनशिप हम लोग दे रहे हैं आशीर्वाद इनक्लेव के फेज नंबर 8 में दे रहे हैं। एक खास बात उसमें ये है सबसे यूनिक कि उसमें हम लोग 50% अमाउंट पे रजिस्ट्री कर रहे हैं और आपको कब्जा भी दे देंगे, यानी बुकिंग अमाउंट पे तो आपको कब्जा मिल ही जाएगा बट रजिस्ट्री आप 50% देकर उसको रजिस्ट्री करा सकते हैं अपनी। रजिस्ट्री पेपर वगैरह हम सब आपको हैंड ओवर कर देंगे। आशीर्वाद इनक्लेव में रजिस्ट्री के बाद कोई पेपर रखे नहीं जाते हैं एज अ प्लेज करके, जो भी रजिस्ट्री होती है हम उसको वापस कर देते हैं। ये कितने बीघा की अभी है? ये करीब 18 बीघा की प्लानिंग है। 18 बीघा हाँ, लेकिन ये एक्सटेंड होगा आगे की तरफ। हाँ, इसका एक्सटेंशन होगा। और बाकी का जो 50% बता रहा था फेज़ 8 के बारे में, 50% अमाउंट पे तो रजिस्ट्री कर रहे हैं, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको इंटरेस्ट फ्री 18 महीने की ईएमआई में कन्वर्ट करके दे देंगे और कंपनी आपसे 1 रुपये भी ब्याज नहीं लेगी उसको। तो इस तरीके से मैम सब कोई अफोर्ड कर सकता है, सैलरी क्लास भी इसको अफोर्ड कर सकता है, आराम से घर बना के रह सकता है। पर्पस ये है हमारा कि आशीर्वाद इनक्लेव में किसी को लोन लेने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। कोशिश ये करते हैं कि इतना फ्लेक्सिबल हम लोग सिस्टम को बना सके। आएंगे अगर कॉल करके तो आपको एक नहीं 2-3 साइट्स विजिट कराई जाएगी, तो जो जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जहाँ भी आपको समझ में आए, बिकॉज जो भी एक इम्यूनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको हर तरफ मिलने वाली हैं, हर फेज़ में मिलने वाली हैं, तो कॉल ज़रूर करिएगा और विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।